बनारस के सड़क का हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छी बात है बेटा, जहाँ चाहो पैर तोड़वा लो, जहाँ चाहो हाथ तोड़वा लो, जहाँ चाहो पैर धो लो, कूड़ा करकट तो लगा ही है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी या मोदी जी का मेहरबानी समझो, वो तो बहुत पहले ही बोले थे कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ सड़क, सब कुछ स्वच्छ है, लेकिन देखो ऊपर वाले की पानी उपलब्ध करवा दिए एकदम, घर घर में पानी तो छोड़ो, सड़क पर ही पानी है, सड़क पर ही पानी है। अच्छा वैसे आप लोग तो इतना, आप लोगों का उम्र हो रहा है बनारस में बीतते, बदलाव हुआ कि पाँच साल में, पाँच साल से ऊपर बदलाव अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन बदलाव होने का उम्मीद है, है भविष्य तो लग रहा है, बाकी तो वर्तमान संकट में है, संकट में है, कोई भी राजनीतिक में कोई भी आए फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब पहले अपना पेट देखते हैं तब पब्लिक को देखते हैं। सही बात है। कुछ कम या कुछ बेसी, कुछ ज़्यादा तो, और उम्मीद पाले हुए हैं। हाँ उम्मीद तो जरूर पाले हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो हम बनारसी और यूपी वालों का खासियत है, उम्मीद नहीं छोड़ते। उम्मीद क्यों छोड़े भैया, यहाँ जो सड़कों का हाल है आपके जस्ट कैंट के सामने, क्या कहेंगे आप? तो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे होंगे। कभी सही नहीं है। अच्छा, ये 4-5 साल से गड़बड़, जब भी बारिश होता है तब भरा जाता है, 10-15 दिन का फुर्सत हो जाता है। शहर में जगह जगह इकट्ठा हाल हम देख रहे हैं, हर जगह है। मतलब ज्यादा मोदी जी का एक क्वार्टर वेटो नहीं बनेगा क्या? देखिए अब क्या आपके सामने जो है, क्वार्टर का उम्मीद पाले है कि नहीं बनारस वाले भाई? अरे नहीं भैया, यहाँ टोटो कहाँ से बन पाएगा, कहाँ से बन पाएगा, कहाँ है मोदी जी का भी काम नहीं सही है का? देख तो रहे हैं आपके सामने है सब, मोदी जी का भी काम नहीं सही है भाई, बनारस के लोगों का यह कह एक बार। चला यो एक पान वाले चचा, एक तो बनारस का खासियत है सब जनी मुँह में पान भर ले रहे हैं। क्या चचा, क्या कहना है जो सड़क वड़क का आप लोगों का हाल है? बहुत खस्ता हाल है भैया। मोदी जी कुछ सुधार उधार नहीं कर पाई है का? अब वो तो हम नहीं जानते हैं भैया, लेकिन हालत बहुत ख़राब है, समझ लिए कि आए दिन यहाँ पे राहगीर गिर रहे हैं, ऑटो पलट जा रहा है। अभी परसों मुस्लिम महिला सब बैठी हुई थी, ऑटो पे पलट गया, काफ़ी चोट, गंभीर चोट लगा उनको। अच्छा, बहुत विकट स्थिति है, कोई इसका समाधान नहीं लग रहा है। नगर आयुक्त के यहाँ गया लिख करके, फिर भी इसका कोई, अब ये पानी जो बरसा है इस पानी को अभी निकलते निकलते कम से कम 5-6 दिन लग जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब पानी का भी जो निकासी है वो व्यवस्था अच्छा नहीं है। अच्छा, हमने 2 दिन में पूरा लगभग शहर घूमा, खाली जो आयुक्त का क्षेत्र है जहाँ आला अधिकारी साहब लोग रहते हैं वहीं सड़क बस ठीक है, इसके अलावा और कहीं सड़क ठीक नहीं लग रही है। हाँ सर, सही बात है। तो क्या मतलब कैसे बनेगा भाई, अब तो मोदी जी को 5 साल से ऊपर हो गए, आप भाई प्रधानमंत्री, आपका सांसद है, कुछ उम्मीद है क्या? उम्मीद पे तो सर दुनिया टिका है। उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ, हमारा निवेदन है कि इन बातों को आप ऊपर तक पहुँचावें ताकि समाधान हो, जनता का भी समाधान हो, दुकानदारों का भी समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लाखों लोग यहाँ, हजारों लोग डेली आते जाते हैं। हाँ। बहुत से छात्र छात्राएं आसपास पढ़ने जाते हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं ना। अभी कल परीक्षा था, कितने युवक युवती यहाँ पानी में, उनका कपड़ा मैला हो गया, गिर गए, चोटिल हो गए, कौन इसका, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका रास्ता निकालने वाला कौन है। जब प्रधानमंत्री शहर के हैं भाई, वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, यहीं के सांसद हैं, बहुत से युवा साथी भी हैं। इधर रुको भाई, भाई एक मिनट आना, क्या नाम है आपका और ये बताओ, जो आप बनारस घूम रहे हो, यहाँ के सड़कों का हाल जो आप देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस पर? यहाँ तो मतलब बहुत ख़राब सड़क है। हाँ, तो कहाँ से आए हो? आए हैं अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से एग्जाम था या? एग्जाम है अभी, एग्जाम है। तो जो सड़कों का हाल देख रहे हो कैसा लग रहा है? मतलब बहुत यहाँ बुरा है, बल्कि हमारे यहाँ इससे अच्छा है। अच्छा, अम्बेडकर नगर अच्छा है। चलिए, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मोदी जी भी यहाँ कुछ असर उसर है नहीं क्या? अब मोदी जी के यहाँ गाँव है, लेकिन ऐसा सड़क दिखाई दे रहा है, ऐसा सड़क दिखाई दे रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, कहीं दूर दराज से लोग आए होंगे, कुछ लोकल भी होंगे। ये जो सड़क की हालत आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ख़राब है। मैं कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ मऊ से। मऊ से जी। बनारस आते रहते हैं या पहली? कुछ एग्जाम है, एग्जाम है मेरा लोअर पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, बीएचयू के पास है, बीएचयू के पास है। लोग दूर दराज से जो छात्र परीक्षाएं भी देने आते हैं उनकी ये समस्या भाई, ऐसी सड़क अगर रहेगी
तो भाई उनका कभी किसी की गर्दन टेढ़ी होगी, किसी का कमर टेढ़ा होगा। सवाल यही हमेशा रहेगा कि सड़क